वाराणसी में निर्दल प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़ा किया। संजय कुमार तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। संजय कुमार तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे जैसे ही एक प्रत्याशी के रूप में हैं। चुनाव मैदान में बनारस लोकसभा 77 से 7 लोग चुनावी मैदान में हैं। संजय तिवारी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र में विश्वास ना करके राजतंत्र में विश्वास करना शुरू कर दिया है। अगर लोकतंत्र होता तो बनारस में आए दिन मंत्रियों का जमावड़ा लग रहा है। वहीं मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मोदी आते हैं तो बनारस में मीडिया से रूबरू नहीं होते। वहीं पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में 7वें चरण में मतदान होना है। संजय तिवारी ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। बनारस की जनता हमें चुनने के लिए खुद तैयार हो चुकी है। आप सभी आज के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नेताजी आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं लोकतंत्र का आज के डेट में पर्व चल रहा है और उसका चुनाव का अंतिम चरण है और हमारे लोकतंत्र के क्लेम करते हैं कि प्रधानमंत्री हम लोकतंत्र में बिलीव करते हैं और वो एक हमारे साथ कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी भी कैंडिडेट हैं और छह और लोग हैं। लोकतंत्र के इतने इम्पोर्टेंट समय में लोकतंत्र को इस्टैब्लिश करने का एक मौका था उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने इसको राजतंत्र में बदल दिया। लोकतंत्र रहा ही नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।